Hello everyone. So I'm going to answer this question which is asked by Ankan and achha question hai, not of number system, main ye change karna bhool gaya. So it's a question of I would say permutation and combination. Question kya hai? Find the total number of ways in which a student can attempt an exam such that he answers at least two questions out of a total of 150 questions in the exam, given that each question has four multiple answer choices. तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं. इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन हो गए. तो अब ये जो स्टूडेंट है उसके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो. दूसरा ऑप्शन है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और ऑप्शन वन मार्क करो. तीसरा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और टू मार्क करो. चौथा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और थ्री मार्क करो. और पांचवा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फोर मार्क करो. सो फॉर ईच क्वेश्चन दिस स्टूडेंट हैज फाइव ऑप्शंस. ठीक है, तो अब 150 क्वेश्चंस हैं तो टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, टोटल वेज टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे. फॉर ईच क्वेश्चंस वी हैव फाइव वेज, तो टोटल वेज हो जाएंगे 5 raised to 150. नाउ क्वेश्चन हैज सर्टेन कंडीशन. व्हाट आर दोस कंडीशन? दैट ही हैज टू आंसर एट लीस्ट टू क्वेश्चंस. तो इन टोटल केसेस में से हमें वो केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं जहां पे उसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, यानी हर क्वेश्चन के लिए उसने ये वाला ऑप्शन पिक कर लिया. तो ऐसे कितने केसेस होंगे? सिर्फ एक ही तरीका होगा, जब उसने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया. सो माइनस वन, ये माइनस वन हमने किस लिए किया? जब उसने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया. सेकेंड केस क्या होगा? जब उसने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. तो एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने का कितने तरीका होगा आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट किया? 150 C1, इस तरीके से हम वो एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे. अब अगर उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है? चार तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है यूजिंग दीज फोर वेज. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से. बाकी सारे ऑप्शंस तो वो एक ही तरीके से करेगा विच इज अनअटेम्प्टेड. अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 5 raised to 150 माइनस वन माइनस 150 इंटू फोर, 150 C1 150 होता है, दैट इज 5 raised to 150 माइनस 150 इंटू फोर होता है 600 माइनस वन, दैट इज 601 एंड दैट इज योर आंसर. इसमें हमने ये दोनों केसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं जिसमें उसने एक भी नहीं अटेम्प्ट किया और एटलीस्ट सिर्फ एग्जैक्टली एक अटेम्प्ट किया. इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उसमें उसने एटलीस्ट दो तो अटेम्प्ट किए ही होंगे. सो दैट इज योर आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. और इस तरीके के काफी क्वेश्चन आते रहते हैं. नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ क्रिएटिंग नंबर ऑफ वेज फॉर ईच क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वॉज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क वी आंसर. और इस सीरीज में हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक किसी भी चीज से रिलेटेड, इफ इट इज रिलेटेड टू MBA, कहीं भी का क्वेश्चन हो किसी भी सोर्स का क्वेश्चन हो, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. And we try to provide video solution along with that. We also try to give certain concepts behind those questions. I hope if you all are liking it and if you appreciate our efforts, please like, share and subscribe to our YouTube channel. और अपने सारे दोस्तों के साथ share करो. That's it. Thank you guys. All the best.